जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, जिसको हम लोग बहुपद भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, पॉलिनोमियल्स को समझिए। पॉली पॉली जो है, बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन पे तो बेस्ट क्वेश्चन कम ही रहता है। ज़्यादातर हम लोगों को इससे कुछ कुछ सॉल्यूशंस के बारे में क्वेश्चन रहता है, इसका कुछ सॉल्यूशंस को हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा उसमें फोकस करेंगे। बट थोड़ा सा समझ लीजिए, पॉलिनोमियल्स का मतलब ही समझ में आ रहा है कि पॉली पॉली मतलब कि बहु, बहु मतलब होता है बहुत, ठीक है, और नोमियल्स मतलब होता है उसका पद, समझिए ध्यान से, टर्म। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। मतलब इसमें हम लोगों को एक से अधिक टर्म्स देखने को मिलेंगे, पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस इसको मोटा मोटा इतना ही समझिए। चलिए देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले देखिए क्या सीखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल में जो फंक्शन है, उसमें पहला तो पता चला कि टर्म होना चाहिए एक या दो से अधिक, उसमें वेरिएबल और कोफिशियंट, यही दो चीज का हमको पढ़ना होता है। वेरिएबल कहने का मतलब ऐसा समझिए कि ऐसा टर्म है वो जो वेरी करेगा, कभी उसका वैल्यू कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, वो वेरी करता है। और कॉफिशियंट, उसका कॉफिशियंट होता है, जैसे कि कहने का मतलब कि कॉफिशियंट जो होते हैं वो एक खास होता है नंबर, वो बदलते नहीं है, उनका वो खास वैल्यू रहता है, वो हमेशा वही रहता है। जैसे वेरिएबल्स में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी यूज कर सकते हैं इस तरह करके, और कॉफिशियंट में नंबर्स यूज होते हैं 1 2 3 4, क्योंकि उसका वैल्यू तो एकदम फिक्स है। ठीक है, लेकिन ए बी सी डी जो हम लोग यूज करेंगे उसके जगह पे वो वेरी करेगा, कभी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इतना ही हम लोग को ध्यान रखना है। एक पॉलिनोमियल इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि क्या है, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, इस तरह करके भी पॉलिनोमियल जा सकता है। कहने का मतलब कि उसमें एक वेरिएबल और एक कॉफिशियंट होता है, एक कॉफिशियंट और एक वेरिएबल टर्म होता है। ठीक है, एक्स जो है एक्स वाई जेड कुछ भी हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं, एबीसीडी वगैरह भी यूज हो सकता है, और उसका डिग्री हम लोग पढ़ेंगे उसी में, वही हम लोगों को पॉलिनोमियल में पढ़ना है, और उसी का वैल्यू। देखिए, इसमें जो ए वन ए टू ए जीरो जो है ना, ये रियल नंबर्स है। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू वाले नंबर्स है, बट इसको हम लोग यहाँ पे ए वन ए टू से सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जो ये एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ये सब जो नंबर है ये वेरी करेगा, वेरिएबल टर्म्स इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मान लेते हैं ना, एक क्वेश्चन है हमारे पिछले, ये है कि 3x2 + 2x, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल ये है, क्यों है, क्योंकि एक तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो टर्म है। ठीक है, और दूसरा कि इसमें क्या है, कॉफी वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना हम लोगों को समझना है इसमें। अब थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं किसका, तो सॉरी डेफिनेशन नहीं, पॉलिनोमियल्स का टाइप्स कौन कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहला पॉलिनोमियल जो आता है हम लोगों का, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, बस समझिए इसको, उतना आप लोगों को लिखने का जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर कहने का मतलब कि उसका बस जो डिग्री होगा, जो वेरिएबल का जो डिग्री होगा वो सिर्फ वन होगा, तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि क्या है, 2x ठीक है प्लस 3 हो जाए, या 7x प्लस 2, या 3y प्लस 2। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल जो था इसका जो डिग्री है वो क्या है, 1। डिग्री कहने का मतलब हाईएस्ट, उसमें जो हाईएस्ट पावर जो होगा वो डिग्री कहलाता है। ठीक है, डिग्री का एक बार ध्यान से समझिए कि डिग्री क्या होता है, कि जो हाईएस्ट पावर है, जो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर है वो मेरा डिग्री कहलाता है। तो देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें 1 है। ठीक है, इसमें भी देखिए 1 है, इसका भी पावर 1 ही होगा। ठीक है, तभी हम उसको सिर्फ लिखें, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल मेरा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक ठीक है पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, सिंपल से समझिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है उसमें हम लोगों का जो डिग्री होगा वो डिग्री में जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। ठीक है, और डिग्री मैंने बताया कि हाईएस्ट पावर जो होता है, पावर तो समझते होंगे आप लोग। तो जैसे मान के चलिए हम लिख देते हैं यहां पे 3x2 + 3x + 1, तो ये क्या हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है, 2 है, या फिर 4y2 + 3, तो इसमें भी क्या है, हाईएस्ट डिग्री मेरा क्या है, 2 है, तो यही हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर 7z2 + 3z + 2, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें भी जो डिग्री है या हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए हम लोग इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग का पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, कि सिंपल सा बात है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री उसमें 3 होना चाहिए। चलिए ये लिख लेते हैं 4y³ + 3, या फिर 7
वाई क्यूब प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वन, ये भी हो सकता है, या फिर सेवन वाई क्यूब प्लस फाइव वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वाई नहीं वन, तो ये भी हो सकता है पॉलिनोमियल। कहने का मतलब कि इसमें हाईएस्ट डिग्री जो होना चाहिए वो हम लोगों को क्या होना चाहिए, थ्री डिग्री होगा हाईएस्ट, थ्री, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक आता है लास्ट बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक इतना हम लोगों को डीपली नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है, और कभी कभी हम लोगों को क्यूबिक भी आ जाता है देखने को। चलिए देखिए, सबसे बाय क्वाड्रेटिक में क्या है, सिंपल सा कि जिसका डिग्री 4 हो जाएगा, जैसे 4y का पावर 4, ठीक है, प्लस 2y क्यूब प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर 7z का पावर 4 प्लस 2z प्लस 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें 4 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसमें बस इतना ही था, ये टाइप्स इतना ही है, और भी आगे होगा बट हम लोगों को इतना ही कम से कम देखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि किसी खास पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग निकालते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, पी एक्स होता है मतलब इसमें वेरिएबल एक्स है, ठीक ना, और इसी से हम लोग शो करते हैं इसको पॉलिनोमियल को, प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है, मान के चलिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो अगर हम एक्स के जगह पे वन बिठा दें तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, वही कहलाता है पॉइंट, किसी खास पॉइंट पे किसी पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे x के जगह पे 1 हो गया, तो यहाँ क्या कर देंगे, 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3, मतलब जहां जहां x था वहां वहां हम 1 बिठा दिए, ये हो जाएगा 7 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, ये हो जाएगा 12 हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का किसी खास पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हैं। मान के चलिए अगर मेरा दे देता पी टू, ठीक है, और हम लोग को इस पॉलिनोमियल का अगर पॉइंट हम x के जगह पे 2 लेते हैं तो क्या होगा, तो हम जहां जहां पर मेरा x है वहां वहां हम क्या करेंगे, 2 बिठा देंगे, ठीक है, ये कुछ हो जाएगा इस तरह, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 7 इंटू 56 प्लस 8 प्लस 3, इसको अब हम ऐड कर देंगे तो ये कुछ हो जाएगा आपका 67। तो मतलब P2 का वैल्यू क्या होगा, 67, मतलब जो इस खास पॉलिनोमियल है उसमें अगर x की जगह पे हम 2 लेते हैं तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू मेरा 67 आता है। ठीक है, तो यही इसका हो गया। अब देखिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, समझिए इसको, जीरो ये यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हम लोगों ने क्या किया कि कोई भी पॉलिनोमियल हम लोगों ने लिया, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उस पर कोई भी खास पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा हम लोगों ने वो फाइंड किया। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है उसको समझिए, कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जगह पे एक्स के जगह पे हम एक नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई नंबर लेते हैं, और जब मेरा पी एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तो जो वैल्यू हमने एक्स के जगह पे लिया था वही मेरा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, ध्यान से समझिए कि एक ऐसा नंबर जिसके जिसका वैल्यू मतलब वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल का पॉइंट या ऐसा पॉइंट हम बोल दीजिए, समझिए ध्यान से, कि ऐसा फिक्स पॉइंट जहां पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है तो उस पॉइंट का जो वैल्यू होगा वही मेरा कहलाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए पॉलिनोमियल किस पे जाता है तो हमेशा ये क्वाड्रेंट में रहता है, ठीक है, तो इसमें एक्स का भी वैल्यू कुछ होगा, वाई का भी कुछ, वाई का कुछ वैल्यू और एक्स का कुछ वैल्यू हो सकता है, तो उसमें दो पॉइंट आ सकता है, तो हमेशा जो जीरोस होता है ना वो दो जीरोस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्यों, एक एक मेरा एक्स का वैल्यू देता है और एक वाई का वैल्यू देता है, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, क्योंकि किसी भी पॉइंट को अगर हम शो करते हैं टू डायमेंशनल में, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, टू डायमेंशनली अगर हम किसी पॉइंट का हम अगर बोले कि उसका लोकेशन बताइए, ठीक है, तो वो दो तरह से होगा, एक मेरा एक्स एक्सिस से हमको पता करना होगा और दूसरा वाई एक्सिस से हमको पता करना होगा, तो वही दो वैल्यू जो हम लोगों को मिलता है एक्स और वाई का वो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का रहेगा, जब दोनों का वैल्यू मेरा, दोनों का ऐसा वैल्यू होगा जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। ठीक है, ध्यान से समझिए इस चीज को, कि जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, जीरो मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू को जीरो कर दे, तो वैसे वैसे लोकेशन का जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का वो हमारा कहलाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस जो होता है वो हीरो जैसे समझिए, एक तरह से कि वो हीरो है, ऐसा हीरो है
कि जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है। इसको ध्यान से समझिए, ठीक है, जीरो को हीरो से समझ के आप लोग समझ लेंगे। जैसे चलिए अब देखिए कुछ हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो ही चीज हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर, ठीक है, तो हमको उसमें क्या दो चीज देखना है, क्या क्या, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब दो, देखिए जीरोस को हम लोग दो चीज से डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से, ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोगों को दिया रहेगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा मेरा, अल्फा इंटू बीटा होगा, और इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से समझिए, जब कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पूरा पॉलिनोमियल में कुछ है तो यही चीज है, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया है और उसका हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो वो क्या होता है इसमें कि जो एक्स का कोफिशियंट है उसमें माइनस लगा के लिखेंगे और बाय, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है ये, यानी कि माइनस बी बाय ए, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाता है मेरा सम ऑफ जीरोस का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए होता है कि जो कांस्टेंट होता है सी, जो मेरा कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, ये ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट बाय कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मेरा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है। ये आपको एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दे और उसमें बोल दे कि सम ऑफ जीरोस निकालिए या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, तो आपको वो सॉल्व करना पड़ता है, या फिर मे भी आपको कि एक अल्फा या बीटा का कोई एक जीरोस का वैल्यू दे दे और आपको दूसरे जीरोस का वैल्यू निकालने बोले, तो आप इस इन दोनों के यूज से, इन दोनों के हेल्प से आप आसानी से निकाल सकते हो अगर आपका पॉलिनोमियल कुछ दिया है तो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकाल सकते हो। आइए अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का किस तरह से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं उसको समझते हैं। एक चीज थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, एक चीज छूट गया, क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पूछा जाए कि पॉलिनोमियल कौन सा होगा, ये पॉलिनोमियल बताइए कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो इसके लिए पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला है, क्या है, तो ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला है कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हो तो आप पॉलिनोमियल अगर आपको फाइंड करने बोले कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा का वैल्यू कुछ दिया हो अगर, तो इस तरह से इस फॉर्मूले से, मतलब ये पी एक्स हो जाएगा, समझिए कि आप पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हो, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल से आप आसानी से बता सकते हो कि इन दोनों का अल्फा और बीटा का जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल हो सकता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, अभी जो है ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग समझ लेते हैं। चलिए चलिए अब देखेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें एक पॉलिनोमियल हम लोगों को मान के चलिए मिल जाता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी एक्स, इसको चलिए लिख लेते हैं पी एक्स पॉलिनोमियल, तो इसके लिए जो क्या क्या होगा टर्म हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है इसका हम लोगों को वैल्यू क्या हो सकता है वो हम लोग समझेंगे, तो इसके लिए क्या होगा कि कोफिशियंट ऑफ माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब बी, तो माइनस बी, और फिर कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब तो माइनस बी बाय ए हो गया इसका, ठीक है, एक टर्म इसमें मिलेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये एक टर्म मिलेगा हम लोगों को, तो इसमें जो होगा इसमें होगा कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि सी बाय ए, ठीक है, और एक मिलेगा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, ये मिलेगा,
तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका क्या होगा, तो इसका होगा डी बाई ए, मतलब कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। और साथ में इसमें क्या रहेगा, माइनस भी रहेगा, तो माइनस डी बाई ए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर हमको ये अल्फा बीटा और गामा का हमको अगर वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन पे, ठीक है, और हम लोगों को पॉलिनोमियल फाइंड करने बोला जा रहा है, तो इसके लिए जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। फिर क्या होगा, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, और साथ में क्या होगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू दिया है, तो इस टाइप का पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड कर लेंगे, आसानी से हम लोग निकाल लेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए एक पॉलिनोमियल मान के चलिए हम लोगों का दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, इसमें हमको फाइंड करने बोला जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरो। तो हमको सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पहले अल्फा और बीटा का वैल्यू हमको निकालना होगा, मतलब कि जीरोज का वैल्यू। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि जब अल्फा और बीटा का यहाँ वैल्यू बिठाते हैं तो एक्स जो होता है मेरा वो हमेशा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू हम जीरो कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, यानी कि एक बार x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो और फिर x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, इसमें आया x का वैल्यू टू, इसमें आया x का वैल्यू माइनस टू, मतलब दो जीरो हमको मिल गया, देख लीजिए टू और माइनस टू हो गया। चलिए अब हम लोग को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, सम ऑफ जीरो निकालना है, तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, टू प्लस माइनस टू, यानी कि ये तो हो गया मेरा जीरो के बराबर, और साथ ही क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो टू इंटू माइनस टू, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस फोर। तो अल्फा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक पॉलिनोमियल और है हम लोगों के पास, इसका भी हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, पॉलिनोमियल के इक्वल्स टू में जीरो करना होगा, क्यों करना होगा, अच्छा एक चीज थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ, जब कोई पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाता है तो वो इक्वेशन बन जाता है, जैसे ये इक्वल्स टू जीरो हो गया ना, तो ये इक्वेशन कहलाया, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको भी समझ लेंगे। चलिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब इससे हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे जीरोस या एक्स का वैल्यू, सिंपल सा समझिए भाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस तो इसको फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, ट्वेल्व इंटू टू सिक्स इंटू फोर थ्री इंटू एट, चलिए तो ये हो जाएगा मेरा 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो, फिर हो जाएगा 2x कॉमन तो x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन तो x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो, एक हो गया मेरा 2x माइनस 3, एक हो गया x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो, इधर हो गया x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो, x का वैल्यू इधर आ गया माइनस 4 और इधर आ गया x का वैल्यू 3 बाय 2 हो गया। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है, इधर करते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालना, हमको मिल गया अल्फा और बीटा दो वैल्यू मिल गया हमको, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरा, तो 3 बाई 2 प्लस माइनस 4 है, ठीक है, इसको करेंगे 2 करेंगे माइनस 4 टू जो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा इसका वैल्यू माइनस 5 बाई 2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा मेरा 3 बाई 2 इंटू माइनस 4, 2 टू जो 4 कट गया यानी कि माइनस 6। देखिए ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो पॉलिनोमियल का चैप्टर था ये पार्ट वन था, अभी एक और पार्ट टू पढ़ाएंगे अभी हम लोग को, आप लोगों को पॉलिनोमियल, तो उम्मीद करते हैं आज जो हम लोगों ने सीखा और देखा वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप लोग इस चीज़ को सीख भी गए होंगे, जान भी गए होंगे कि पॉलिनोमियल का क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।